वेलकम प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर वन, एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, आपको ये इक्वेशंस दी गई, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे आपने एक्सरसाइज 2.1 में क्या था, इसको सॉल्व भी करना था और इसको चेक भी करना था। ठीक है, इधर आपको चेक नहीं करना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स वाई टू माइनस 1/5 इज इक्वल टू एक्स वाई थ्री प्लस 1/4। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, x x एक तरफ लाएंगे, नंबर नंबर एक तरफ लाएंगे। ठीक है, तो x अपॉन टू, इसको इस तरफ लाया तो ये देखिए पॉजिटिव का है आपका, इधर किसका आ जाएगा, नेगेटिव का। ठीक है, इक्वल टू इधर क्या आपका 1/4 था, 1/5 आपका किसका है, माइनस का है, इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, आपका पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 2 और 3 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 3 का एलसीएम क्या हुआ, 6 हुआ। ठीक है, जिस किसी बच्चे को एलसीएम लेना नहीं आता हो, वो उस टाइप से नहीं करते ना, 2 और 3। ठीक है, किस टाइप से करते हैं, इस टाइप से, ऐसे। तो आप ऐसे करके एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, आप क्लास 8th में हैं, इतना तो आपको आता होगा एलसीएम लेना। चलिए, 2 3 जा 6, 3 टाइम गया ना, और 3 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3x हो जाएगा, माइनस 3 2 जा 6, 2 टाइम गया और 2 का x मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2x हो जाएगा, इक्वल टू 5 4 का एलसीएम करना हो जाएगा, 20 आ जाएगा आपका। ठीक है, 4 5 जा 20, 5 टाइम गया और 5 बन जा 5, प्लस 5 का 20 में डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20, 4 टाइम गया और जो भी 4 टाइम गया ना आपका, तो 4 का बनगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 बन जा 4। जितने टाइम आपका जाता है ना, उसी टाइम में ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, 3x में से आपका 2x गया, x बचा अपॉन 6 इक्वल टू 5 और 4 9, 9 अपॉन 20। ठीक है, ये x अपॉन 6 है ना, तो इसको 6 को इस तरफ लाएंगे, नीचे है ऊपर लाएंगे। ठीक है, 9 इंटू 6 अपॉन 20। देखिए, जब भी आपका इस फॉर्मेट में होता है ना, ठीक है, तो नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे आता है, लेकिन अगर कोई नंबर पहले से लगा है तो उसमें इंटू के साथ में आता है। ठीक है, मान लीजिए इधर कोई नंबर, मान लीजिए आपका होता 4 होता, मान लीजिए तो 4 होता तो नीचे 20 इंटू 4 लग के आता है यहाँ पर। ठीक है, तो इंटू लग के आता है। आगे देखिए, कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर लीजिए, 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, तो x अपॉन, प्यारे बच्चों क्या आएगा, 27 अपॉन 10, ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, x इक्वल टू 27 अपॉन 10, अगर आप इसको मिक्स नंबर में लाना चाहते हो तो 10 2 जा 20, ठीक है, और 7 बचेगा आपका अपॉन 10, इस तरह से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, आप इसका आंसर देखना चाहें तो आंसर भी आप लोग देख सकते हो, 2.2 का आंसर क्या रहेगा आपका, न्यू को क्या आपकी, ठीक है, 27/10 ही दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको इसको क्या करना है, सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो यही आपका आंसर माना गया है। ठीक है, एनसीईआरटी में उन्होंने मिक्स फ्रैक्शन में नहीं दिया गया। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। ऑल द बेस्ट।